नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन बेस। स्वागत है आप सभी का वायरल टेस्ट में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। इसके साथ में ये दावा भी किया गया कि पैसेंजर से टिकट के लिए 3 गुना ज्यादा पैसे लिए गए और उनसे कहा गया कि एक लाइन में केवल एक सीट पर पैसेंजर बैठाया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ और पैसेंजर क्रू मेंबर के साथ हंगामा कर रहे हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कई लोगों ने इसके ऊपर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने एयर इंडिया की आलोचना की, इतने नहीं बल्कि भारत सरकार की भी आलोचना की। लेकिन जब इस वीडियो के सच को जानने की कोशिश की तो बात कुछ और ही निकली। वीडियो में पैसेंजर को क्रू से कहते सुना जा रहा है कि उनसे टिकट के लिए $3,000 लिए गए और फ्लाइट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा। वो स्टाफ से सवाल कर रहे हैं कि फ्लाइट में इतने पैसेंजर क्यों है। फेसबुक और ट्विटर पर कई यूजर ने इसी दावे के साथ वीडियो को शेयर किया और भारत सरकार की आलोचना की। लेकिन जब इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की तो हमने गूगल पर फ्लाइट सोशल डिस्टेंसिंग पैसेंजर शिकायत सर्च किया तो पता चला कि कई सारी ऐसी वीडियो है, जिसके बाद एक YouTube की वीडियो मिली जिसमें PIA फ्लाइट सोशल डिस्टेंसिंग कीवर्ड के साथ सर्च किया गया। हमें पाकिस्तानी न्यूज चैनल JNA का एक 26 अप्रैल को अपलोड किया गया और इस बुलेटिन में वही वीडियो है जो कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है। मीडिया में 29 अप्रैल को छपी खबरों के मुताबिक ये घटना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA के कराची से टोरेडो के लिए उड़ान भरने वाले विमान की है। इतना नहीं बल्कि पाकिस्तानी एंकर ने भी ऐसी वीडियो शेयर कर और बताया कि पाकिस्तान एयरलाइंस की यह वीडियो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रही है। इतने नहीं बल्कि भारत सरकार की न्यूज चैनल PIB ने भी इस वीडियो का खंडन कर दिया है और कहा है कि ये वीडियो एयर इंडिया की नहीं बल्कि पाकिस्तानी एयरलाइंस की है। यानी कि ये साफ हो चुका है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वह एयर इंडिया की वीडियो नहीं बल्कि पाकिस्तान एयरलाइंस की वीडियो है। चलिए, तो इसी के साथ में आप सभी से प्यारा सा निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी वीडियो, फोटो या ऑडियो आती है तो उसे शेयर करने से पहले हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर जरूर करें ताकि उस खबर की सच्चाई हम देश तक पहुंचाए। याद रखिए, कोरोना से भी बड़ी बीमारी है फेक न्यूज, जिसे खत्म करने का बेड़ा हमने उठा रखा है। मिलते हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।